हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो फ्राइडे के दिन निफ्टी जो है थोड़ा सा गेन के साथ 16,650 पे बंद हुआ है, लगभग 81 पॉइंट ऊपर, 0.5% गेन के साथ। तो यहाँ हमने नीचे के लेवल से अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखी और जो 15,900 का जो सपोर्ट था वो अभी काम कर रहा है निफ्टी के लिए, और हमने लगभग 16,700-16,750 तक बाउंस बैक देखा। तो चलो देखते हैं चार्ट पे अभी निफ्टी कैसा दिख रहा है और नेक्स्ट वीक के लिए क्या ट्रेड हो सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलो शुरू करते हैं एनालिसिस विद मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि निफ्टी जो है तो गेन दिखा रहा है लगभग 1% के, लॉस दिख रहा है 1% का, लगभग 150 पॉइंट लॉस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मगर हम नीचे से अच्छे खासे रिकवर कर चुके हैं और यहाँ जो सपोर्ट था 15,900 का जो सुपर ट्रेंड और पिछला जो मेजर सपोर्ट जोन था वहाँ से हमने बाउंस बैक किया है। तो यह करंटली ऐसा लगता है कि थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग चालू है, मगर ये आगे कंटिन्यू रहेगा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि यह जो है तो ऊपर के लेवल पे फिर से नए शॉर्ट बनेंगे और हो सकता है कि हम लगभग 15,400 से लेकर 14,700 तक नीचे के लेवल देख सकते हैं एज पर मंथली चार्ट। 15,400 जो है तो 20 मंथ्स का एवरेज है, तो उसको टच करने के लिए जा सकते हैं। हमने अभी सिर्फ जो सुपर ट्रेंड है उसको रिस्पेक्ट किया है, या थोड़ा सा बाउंस बैक कंसोलिडेशन हो सकता है और उसके बाद में फिर से जो है तो नीचे के लेवल मुझे लगता है कि निफ्टी दिखा सकता है। तो यहाँ मंथली चार्ट पे सेल ऑन राइज भी हो रहेगा, नीचे जो टारगेट बनेंगे मीडियम टू लॉन्गर टर्म 15,400 से लेकर 14,700 के टारगेट मुझे लगता है कि निफ्टी मीडियम टू लॉन्गर टर्म में दिखा सकता है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो है लगभग 17,000 से 17,200 के बीच में। अगर उसके ऊपर मंथली क्लोजिंग आती है तो ही हम रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। जब तक 17,200 के ऊपर मंथली क्लोजिंग नहीं आती मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है तो कोई रिवर्सल दिखाएगा। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि इस वीक हम लगभग 2.5% गेन के साथ बंद हुए हैं, लगभग 388 पॉइंट गेन के साथ। और यहाँ जो है तो लास्ट टू वीक के बाद में ये फर्स्ट वीक है जहाँ हम जो है लगभग लास्ट टू वीक नहीं लगभग लास्ट फोर वीक के बाद में यहाँ जो है तो हम गेन के साथ बंद हुए हैं। लास्ट वीक हमने लगभग 400 पॉइंट का लॉस देखा था, इस वीक जो है तो लगभग 400 पॉइंट का गेन दिख रहा है। तो नीचे के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी आई है, मगर ये रिकवरी सिर्फ शॉर्ट कवरिंग पे है। यहाँ जो है तो मुझे लगता है कि फिर से जो है तो मार्केट नीचे के लेवल दिखा सकता है। अगर हम फिर से 16,450 के नीचे स्लिप करते हैं, अगर उसके नीचे जाते हैं तो हमें फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हो एज पर वीकली चार्ट 15,100 से लेकर 14,700 के लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो 15,100 लेवल है वो है लगभग 100 वीक का एवरेज, और हम अगर 50 वीक के एवरेज के नीचे ट्रेड करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेरिश रहेगा और हम धीरे धीरे जो है तो नीचे के लेवल दिखाता रहेगा निफ्टी। और यहाँ जो है तो जब तक निफ्टी 16,450 के नीचे है तब तक जो इन्वेस्टर है उन्हें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए और सिर्फ क्वालिटी स्टॉक में जो है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है अगर वॉर की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है या फिर ज़्यादा डेंजरस हो जाती है तो हम जो है तो पैनिक में लगभग 13,000 से 11,000 के लेवल भी देख सकते हैं। उसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है मगर बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ मैंने जैसे कहा अगर न्यूक्लियर वॉर या कोई दूसरा देश इन्वॉल्व हो जाता है इन दोनों में तो आपको जो है तो मार्केट में फिर से पैनिक देखने को मिलेगा। और यहाँ इन्फ्लेशन अभी जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से फिर से मार्केट पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बनेगा, तो वो भी एक दिक्कत हो सकती है। तो अगले वीक के लिए आपको ऊपर जो है तो 17,200 के लेवल मिलते हैं 150-200 के, वहाँ शॉर्ट करना है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 100-150-200 पॉइंट के स्टॉप लॉस, और फिर से आपको 16,450 और 1,500 के जो टारगेट है 15,100 के टारगेट वो आपको मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ मेरा एज पर वीकली चार्ट सेल ऑन राइज भी रहेगा और मैं नीचे के टारगेट का वेट करूँगा मगर विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि हम जो है तो ओवरसोल्ड रीजन से अच्छा खासा बाउंस बैक दिए हैं, मगर यहाँ दिक्कत की एक बात है कि हम फिर से जो है तो जो 200 डेज एवरेज है उसके अराउंड रेजिस्टेंस ले रहे हैं, और जब तक ये 200 डेज का जो एवरेज है फ्यूचर का निफ्टी फ्यूचर का ये जब तक क्रॉस नहीं होता मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी एक बुलिश मूव देख पाएंगे मार्केट में। तो यहाँ जब तक मार्केट 16,750 के नीचे तब तक मैं बेचना ही चाहूँगा। हम फिर से जो है
तो आने वाले समय में 15,850 और 15,350 के लेवल जो है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर से हमें नीचे के लेवल जो है तो देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ जो है तो मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड हो सकता है, अगर ये 15,700 का लेवल टूट गया तो फिर आप जो है तो नीचे फ्रेश टारगेट ओपन हो जाएंगे। पहला टारगेट रहेगा 15,350, उसके बाद में 15,100 और लास्ट में जो है तो 14,700, ये तीन टारगेट ओपन हो जाएंगे अगर हम ये प्रीवियस लो तोड़ देते हैं तो। यहाँ जो है तो आप अभी जो है तो मार्केट मोस्टली दोनों तरफ ट्रेड करेगा, क्योंकि यहाँ नीचे फॉल आता है तो वहाँ फिर से आपको शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा नीचे के लेवल पे मार्केट रेजिलेंट रहेगा तो आपको ओवरसोल्ड रीजन पे बाय करना है, मगर ये सभी ट्रेड आपको स्टॉप लॉस के साथ लेने हैं। यहाँ जो है तो वोलेटिलिटी एट द पीक रहेगी, अभी हम विक्स पे जो है तो ऊपर के लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ हुए हैं, अभी विक्स जो है तो 25 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं, मगर बोल नहीं सकते कुछ, जो वॉर में सिचुएशन अगर खराब हो गई तो हम विक्स जो है तो फिर से बढ़ते हुए देखेंगे। और मुझे लगता है कि विक्स एक बार जो है तो 40-45 के लेवल शायद टच करेगा, उसके बाद में ही फिर वो पुल ऑफ होगा, तो अभी भी उसका संभावना ज़्यादा है। अगर विक्स 40-45 पे जाता है तो आपको मार्केट में अच्छा खासा पैनिक देखने को मिलेगा उन लेवल पे, और वहाँ जो है तो नीचे के अच्छे खासे लेवल भी आ सकते हैं, मगर वो टिकेंगे नहीं, वह आपको फिर से जो है तो बाइंग देखने को मिलेगी। बाइंग मतलब शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, बाइंग तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी मार्केट में आएगी, मगर शॉर्ट कवरिंग जो है तो बीच बीच में आते रहेगी। तो शॉर्ट कवरिंग जो फंसे हुए या फिर जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है या फिर आप जो बाइंग कर रहे हो उसमें प्रॉफिट बुक करने का सोचिए उस शॉर्ट कवरिंग में, क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग जो है तो जैसे ख़त्म होगी फिर से आपको जो है तो डाउन साइड देखने को मिलेगा। और यहाँ जो है तो मार्केट अगर जब तक 16,750 के नीचे है तब तक आपको लॉन्ग जो है तो लॉन्ग कैरी नहीं कर रहे हैं, ओवरनाइट लॉन्ग कैरी मत कीजिए, हो सकता है कि आपको जो है तो उसमें अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़े। तो अगले वीक के लिए जब तक 16,750 नहीं टूटता है हमारा सेल ऑन राइज भी रहेगा, हम जो है तो 16,700 के अराउंड सेल करेंगे, 900 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 16,700-750 के अराउंड सेल करेंगे, 16,950 का स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर पे। हमारा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 16,350, 15,950 और उसके बाद 15,350, ये तीन टारगेट रहेंगे मेरे अगले वीक के लिए। और यहाँ वोलेटिलिटी फिर से बढ़ सकती है, यहाँ जो है तो मुझे लगता है ये बाउंस बैक खत्म हो चुका है और फिर से जो है तो हम नए मूव के लिए तैयार है डाउन साइड पे। और इस बार हमारा जो बॉटम बनेगा शायद वो 15,350 से लेकर 15,100 के अराउंड हमें बॉटम देखने को मिल सकता है। अगर डीपर बॉटम बनता है तो 14,700 का भी लेवल आप निफ्टी पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ मेरा सेल ऑन राइज भी हो रहेगा, जो ऑप्शन ट्रेडर है उनके लिए सलाह रहेगी आप इन द मनी पुट ऑप्शन पे एक्युमुलेट कीजिए, 16,700 या फिर 16,800 का जो पुट ऑप्शन है उस पे फोकस कीजिए अगर आपको वीकली ऑप्शन में ट्रेड करना है तो। अगर आपको मंथली ऑप्शन में ट्रेड करना है तो मेरा सलाह रहेगी कि 16,300 का जो पुट ऑप्शन है उस पे हम एक्युमुलेट करेंगे, ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है, ऑलरेडी मेरी मार्केट में शॉर्ट पोजिशन है जो हमने 700-750 पे बनाई है और जिसका टारगेट मुझे लगता है कि कम से कम 16,290 में लेकर चलूंगा, हो सकता है कि उसके नीचे के भी लेवल मिलेंगे तो वहाँ हम कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे 16,290 पे। तो अगर वो टूट जाता है तो फिर हम जो है तो शायद फिर से 15,900 का लेवल देख सकते हैं, और हो सकता है कि मार्केट जो है तो 15,900 के अराउंड बहुत दिनों तक जो है तो कंसोलिडेट करता रहेगा, और या एक रेंज में जो है तो हम ट्रेड करते रहेंगे, ऊपर 16,700 नीचे 15,900 टूटता है और वो भी एक प्राइस एक्शन और वॉल्यूम पे तो एक बुरी बात होगी इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि उस सीनेरियो में हम जो है तो नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे, जो नेक्स्ट पेज रहेगा वो रहेगा 11,000 से 13,000 के बीच में, तो उस रेंज के लिए हम निकल जाएंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ 15,900 आपको क्लोजली वॉच करना है, अगर वो वीकली और मंथली बेसिस पे टूटता है तो ये बहुत ही बुरा सिग्नल होगा शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए फिर से नई बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्वालिटी स्टॉक में आपको अच्छे खासे लेवल देखने को मिलेंगे, सिर्फ यहाँ है कि आपका टाइम फ्रेम बढ़ेगा, क्योंकि ये मार्केट रिकवर, ये जैसे कोरोना काल में मार्केट रिकवर हुआ था उस तरह से नहीं होगा, इसको कम से कम रिकवर होने में 2-3 साल लग सकते हैं, तो उतना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मगर आने वाले समय में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था या फिर जिन्हें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए अच्छे खासे स्टॉक में लोअर लेवल दिखाई दे सकते हैं और आपको एंट्री करने का मौका मिल सकता है मार्केट में। तो ये रहा मेरा व्यू,
हम जो है तो सेल ऑन राइज भी हो रहेगा मार्केट में। निफ्टी जब तक 16,750 के नीचे है, सेल ऑन राइज 16,350, 15,900 और 15,350, ये मेरे मेजर टारगेट जोन रहेंगे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो 16,700 या फिर 16,300 जो मंथली ऑप्शन है उस पर फोकस कीजिए, उस पर बाय ऑन डिप। सबके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 16,900। अगर फ्यूचर 16,900 क्रॉस करता है तो हम जो फ्यूचर और ऑप्शन है दोनों में लॉस लेकर निकल जाएंगे। तो आई होप सर कि ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो मेरा जो प्रीमियम सर्विस है वो ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।